Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार और ये बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और अब तो सच में ही ठंड लगने लग गई है. अब तो कोलकाता में भी थोड़ी ठंड आ गई है. हमारे कोलकाता में 15-20 दिन की ही ज़रा बढ़िया वाली जो ठंड बोलते हैं ना वो पड़ती है, तो उसी में हम अपने शौक पूरे कर लेते हैं. जो हमारी थोड़ी अच्छी अच्छी शॉल हैं और स्वेटर हैं बस वही पहन लेते हैं हार्डली 15-20 दिन. बस उसके बाद तो जस्ट एकदम जो पतली वाली स्टोल होती है ना वही मैं निकाल लेती हूँ और हल्की एकदम हल्की हल्की जैसी हवा में ठंडक रहती है वैसे रहती है. और हमारे घर में सिर्फ आंचल ही है जो कि होली तक या फिर होली के बाद के कुछ दिनों तक भी स्वेटर पहनती है, ब्लैंकेट ओढ़ती है. ब्लैंकेट तो वो अप्रैल तक ओढ़ती है क्योंकि उसको ठंड ज़्यादा लगती है. तो बस यहाँ पर किचन में आ गई हूँ और एक तरफ दूध चढ़ा दिया है क्योंकि कल रात को मैंने दूध गर्म नहीं करके रखा था. सभी ने थोड़ा हैवी थोड़ा खाया था तो दूध पीने का मन किसी का ऐसा था नहीं, तो गर्म नहीं किया था तो यहाँ गर्म भी कर दिया है. अभी किसी को नाश्ते में लेना है तो वो भी ले लेंगे. और बस 2 कप ही चाय बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को तो चाहिए नहीं. और आज है हमारे नेबर के यहाँ शादी, तो बस थोड़ा कुछ हल्का फुल्का मेरा खाना, हल्का फुल्का क्या पूरा ही मतलब ऑलमोस्ट अभी जो दोपहर में हम लोगों को लंच में हो जाएगा ऐसा पूरा ही खाना रखा हुआ है. क्योंकि क्या है ना कि जो पूड़ी सब्जी वगैरह इस तरीके का जो खाना बनता है सिर्फ मेरे ही घर में नहीं सभी के घर में, तो पूड़ी वगैरह एक ऐसी चीज़ होती है फूड आइटम में जो कि कभी भी लिमिटेड नहीं बनती है. ज़्यादा ज़रूर बन जाएगी, कम नहीं बनती है. तो हम लोग क्या है वो मैंने कल के ब्लॉग में बताया ना कि हमारा क्या है कि लेडीज़ लोग बनाते हैं तो भाई शाम तक हो जाए खाना. और मुझे तो सच मेरा पूछिए तो जैसे कि मैं सुबह नाश्ते में चाय जो पीती हूँ अगर पूड़ी बच जाती है ना तो मैं 2-3 पूड़ी गरम करके चाय के साथ ज़रूर खाती हूँ. पूड़ी पराठा चाय के साथ मुझे बहुत पसंद है. तो बस वही खाना बच गया है और वो लंच में हम खाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा और नहीं बचेगा. तो बस अभी थोड़ी देर के बाद मैं सिर्फ बनाऊंगी एस्ट्रो के लिए खाना. और यहाँ बादाम भी छील ले रही हूँ और आंचल चली गई है कॉलेज क्योंकि अभी जैसे कि हम लोगों का पता है कितनी दुख की बात है और आपके साथ शेयर नहीं करूं तो किसको बताऊं मैं. हमारी टिकट्स हो गई थी 10 तारीख की जो मैं बोल रही थी कि ट्रिप पे जा रहे हैं और अचानक से मतलब मैसेज आया है कॉलेज से कि 12 और 13 आंचल का एग्ज़ाम है. तो अब बताइए क्या करें, सबके मन दुखी हो गए बट वो हमसे ज़्यादा वो दुखी है कि मम्मी मुझे साथ जाना है और मैं क्या करूँ. तो फिर हमने क्या किया कि 10 तारीख की टिकट जो हमारी थी वो कैंसिल करवा के हमने डेट आगे बढ़वा दी कि भाई हम जाएंगे तो दिसंबर में ही चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि ये ट्रिप हमारा ये लेके तीसरी बार कैंसिल होने के उसमें आ गया. तो अब हम कैंसिल नहीं होने देंगे, हमने डेट आगे बढ़वा दी है. और ये लगा दिया है हस्बैंड जी के लिए नाश्ता, ब्रेड बटर और चाय दे के अब जा रही हूँ सीधी नहाने के लिए. नहा के करूँगी पूजा. और खाना ऐसा सच आज कुछ ऐसा बनाना नहीं है मुझे, तो आज थोड़ा मैं हल्का फुल्का फ्री ही हूँ. और फ्री क्या, जैसे कि खाना जिस दिन नहीं बनाया तो दूसरे काम जो पेंडिंग रहते हैं घर के वो कर लेती हूँ. तो चलिए पहले कर लेती हूँ पूजा और उसके बाद करती हूँ आपसे बात. और पूजा यहाँ पर हो चुकी है और ये वही समय है जो कि मुझे मेरी लाइफ का सुबह का टाइम मुझे बहुत पसंद है क्योंकि सब के सब सोते रहते हैं बिल्कुल शांति से सुकून से. मैं एकदम सच्चे दिल से खुशी मन से पूजा करती हूँ और मेरे मन में कोई सुख है या दुख है या मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ किसी बात को लेकर या मैं दुखी हूँ तो मैं सब कुछ अपने ठाकुर जी से ही शेयर करती हूँ या मुझे कुछ चाहिए तो मैं उन्हीं से बोलती हूँ और वो सुनते भी हैं. तो सुख में दुख में हमेशा भगवान को याद करना ही चाहिए, उनका धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए. तो वो दोहा तो आपने सुना ही होगा जो कि बहुत ही सच है, दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे ना कोई,
जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। तो मेरे फैमिली में अगर कोई ऐसा दिन आता है कि सब एक साथ मिलके हंस बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है और खिलखिला के हंस रहे हैं, तो मैं हमेशा मतलब सबसे बात करती रहती हूँ, उस टाइम हंसती रहती हूँ, मगर मन ही मन अपने ठाकुर जी को मैं धन्यवाद भी बोलती हूँ कि हे ईश्वर, ऐसा दिन हमारी ज़िंदगी में बार बार आए और सभी के ज़िंदगी में आए। तो बस मेरी यही मनोकामना रहती है कि कभी भी किसी का भी मेरे हाथों से कभी बुरा ना हो, कभी मैं किसी को अपशब्द ना बोलूं, कभी किसी का बुरा ना करूं। तो बस यही मेरी कामना रहती है और ईश्वर से यही मैं मांगती हूं रोज़। चलिए, बातें तो बहुत हो गई, अब आप भी दर्शन कर लीजिए, यहाँ पूजा हो चुकी है। और उसके बाद मैंने फिर जो बचे थे बाकी उनको भी ब्रेकफास्ट देके खुद भी ब्रेकफास्ट कर लिया था, काफ़ी कुछ मैंने काम कर लिए। तो अब मैं डायरेक्ट आपसे मिलूँगी दोपहर में। तो चलिए, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:10 हो रहे हैं और कपड़े भी लगा दिए मैंने, खाना वगैरह सबका हो गया है। खाना आज कुछ ऐसा मैंने ऐसा सच कुछ भी बनाया नहीं है, क्योंकि पूड़ी सब्जी वगैरह बनती है ना तो किसी के भी घर में, तो थोड़ा बढ़ा के ही बनती है, तो वो थोड़ी बच गई थी हल्की फुल्की। तो बस मैंने सिर्फ एस्ट्रो का खाना बनाया है आज, बाकी हम लोगों ने सबने वही खाना खाया है। और अब थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, बहुत सुबह की उठी हुई हूँ, और अब डायरेक्ट आपसे शाम को मिलूंगी, क्योंकि आज है हमारे नेबर्स के यहाँ शादी। मैंने आपको बताया था कि हमें भी इन्विटेशन आया है, तो बस अब आपसे शाम को मिलूंगी, तो उसी वक्त आपसे बात करूंगी। अब मैं आपको मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम को, और आज का मेरा मैंने पूरा अपने आप को गेटअप दिया है जो कि रितेश की शादी में था मेरा सेम पूरा। तो चलिए, सबसे पहले मैं हो जाती हूँ रेडी। एंड नाउ आई एम रेडी टू गो। तो मुझे बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। यही पूरा मतलब मेरा गेटअप था रितेश की शादी में, तो वही मैंने आज अपने आप को रेडी किया है, बिल्कुल सेम वैसा ही। और उस वक्त तो मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी। चलिए, मैं रेडी हो गई हूँ और मैं और चिंकी जा रहे हैं शादी में। तो अभी बज रहे हैं कम से कम कुछ नहीं तो 5:45 का टाइम हो रहा है, फिर व्लॉग एडिट करके आपके पास पहुँचाना भी है। एंड हम लोग निकल रहे हैं, इसका सेकेंड पार्ट आपको कल देखने के लिए मिलेगा। चिंकी भी रेडी हो गया है, ये कुर्ता पाजामा उसने वेयर किया है ब्लैक कलर का, बहुत मस्त है, आपको पूरा पार्टी वगैरह सब देखने मिलेगा कल। और इस व्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।